हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल उमाले और आज मैं आपको लेकर चलूंगा नीदरलैंड्स की और एक बेहतरीन सिटी जिसका नाम है यूत्रेक्ट। ये काफी बढ़िया सिटी है, यहाँ पे काफी सारी चीजें देखने के लिए। यूत्रेक्ट में नीदरलैंड्स का सबसे बड़ा कैसल है, यहाँ पे डोम टावर है और काफी सारे चर्चेस है, तो आज मैं आपको उनके दर्शन करवाऊंगा। सो बने रहिए मेरे साथ में वीडियो में, लेट्स गो। अभी यूत्रेक्ट सेंटर से बाहर आ गए हो, अभी मेरी फर्स्ट डेस्टिनेशन स्टार्ट होने वाली है जो कि एक कासल है, यहाँ की सबसे बड़ी कासल है नीदरलैंड्स की, तो वहाँ पर जाके आपको दिखाता हूँ। ठंडी हवाएं चल रही है, एकदम मजा आ रहा है। कासल का नजारा अगर आपको दिखा होगा तो आप हैरान रह जाओगे भाई साहब। ये नीदरलैंड्स की इस कंट्री की सबसे बड़ी कासल है और ये यूत्रेक्ट में यहाँ पर है। फ्रॉम यूत्रेक्ट सेंट्रल यू विल हैव टू टेक बस नंबर 28 एंड यू विल रीच टू द लास्ट स्टॉप। आफ्टर दैट यू विल हैव टू टेक 127 बस नंबर एंड देन 5 मिनट्स वॉक एंड देन यू विल बी एट द कासल। ये एंट्री गेट है, अभी यहाँ से अंदर जाएंगे और उसके बाद में कासल को एक्सप्लोर करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ में वीडियो में। तो अभी अंदर जा रहा हूँ मैं कासल के, काफी बढ़िया है आप देख सकते हो। तो अभी कोविड के चक्कर में इन्होंने एंट्री बहुत ही जल्दी क्लोजिंग कर दी है और उसके बाद में यहाँ पे अंदर वीडियो भी अलाउ नहीं है, तो अभी अंदर जाना तो मुश्किल है। तो अभी आपको थोड़ा सा बाहर से ही व्यू दे देता हूँ, आप देख सकते हो ये जो है काफ़ी बड़ा कासल है। इसमें 3-4 पार्ट है, इसमें पार्क भी इंक्लूडेड है, तो एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने बोला कि अभी अगर आप जाओगे तो एक्सप्लोर कर ही नहीं पाओगे बिकॉज हम लोगों ने क्लोज कर दिया। 5-10 मिनट में आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, अगर आपको आना है तो किसी दूसरे दिन आइए। तो अभी मैं क्या कर सकते हैं, अभी दिखने में तो बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। कासल का पार्ट होने के बाद में अभी जाते हैं यूत्रेक्ट, वहाँ पे 2-4 पॉइंट है वो भी कवर करते हैं और आपको दिखाते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। अभी मैं डोम टावर आ गया हूँ, अभी आपको थोड़ा सा उसका व्यू दे देता हूँ। तो ये है हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन डोम टावर, ये काफ़ी बड़ा है आप देख सकते हो। इसमें कुछ तो मॉडिफिकेशन हो रहे, कुछ तो चेंजेस हो रहे। इसका पुराना जो स्ट्रक्चर है आपको गूगल पे दिखेगा और इसका नया कुछ तो इसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो अभी जब भी ये अच्छे से हो जाएगा तो बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल आपको अंदर का व्यू दे देता हूँ, बहुत बढ़िया दिख रहा है।
यहाँ पे कभी कभी साइकिलें चोरी हो जाती है, तो देखो यहाँ के लोग जो है वो कभी कभी इस तरीके से तूफानी काम करते हैं। देखो साइकिल कहाँ पे लटकाई है भाई, मतलब नॉर्मल इंसान का तो हाथ ही नहीं पहुँचे। लोग भी तो यहाँ पे 6-6.5-7 फीट के होते भाई। देखो भाई ये तो शिकार करने जा रही है या तो कुछ तो करने जा रही है। देखो बिल्लियाँ तभी जाती है ऐसे जब उनको शिकार करने जाना होता है। कुछ तो रहेगा इसके माइंड में, अपन देखते क्या करती। तो बने रहिए मेरे साथ में वीडियो में। अच्छा वो डॉग के लिए, वो उधर एक डॉग है, अच्छा उसके लिए है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। भाई साहब अटैकिंग मोड हो रहा है भाई साहब, देखो है अटैक करने के मोड में। डॉग भी कुछ कम नहीं है। तो अभी मेरा डोम टावर का पार्ट कवर हो गया है, काफ़ी बढ़िया पीसफुल जगह लगी मुझे वो। तो अभी थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर पास में ही और एक चर्च दिख रहा है मुझे, तो उसे एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। बने रहिए मेरे साथ में वीडियो। तो अभी मैं घर आ गया हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।